बिग ब्रेकिंग, राजस्थान के कोटा से बीजेपी के ओम बिरला आगे। ओम बिरला लेकिन सारण से लालू की जो बेटी है वो पीछे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सारण से लालू की जो बेटी है वो पीछे चल रही है। एनडीए 53, इंडिया 27, अदर्स 1। ये इस वक्त की बड़ी खबर, NDA 53, इंडिया 27, अदर्स 1। ओम बिरला आगे चल रहे हैं, गजेंद्र शेखावत आगे चल रहे हैं, नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, मीसा भारती पीछे चल रही है। यानी दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं। और ये बात सवाल उठ भी रहा था कि परिवार में बेटियों को टिकट देने की वजह से क्या किसी तरह का नुकसान हो सकता है। अभी देखिए पोस्टल बैलेट में दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प है, महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा था कि कोई प्रेडिक्शन कर पाएगा। 6 सीटों पर फिलहाल एनडीए, एक सीट पर बिहार के सारण से आरजेडी की रोहिणी आचार्य पीछे। तो रोहिणी आचार्य पीछे चल रही हैं, मीसा भारती पीछे चल रही हैं। नंबर्स देखिए, 56 इंडिया एनडीए, इंडिया 31, 56, 31, अदर्स, इट्स एक्चुअली अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा यहां पर। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एनडीए 3 पर आगे है और इंडिया 4 पर आगे है। ये बहुत बड़ा नंबर है यूपी का जो आपको देखना चाहिए। अरुण गोविल पीछे हो गए। अरुण गोविल का इलेक्शन ये टाइट है और देखना, जबकि मेरठ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सीट मानी जाती है, वहां पर अरुण गोविल फिलहाल पीछे। एनडीए 61, इंडिया 31, इस वक्त की बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से टीएमसी की महुआ मोइत्रा आगे हैं, लेकिन यूपी में इंडिया 5 पर आगे हो गया, एनडीए 3 पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है यूपी का इलेक्शन। देखिए 3 पर इंडिया आगे, इंडिया गठबंधन जो 5 सीट पर आगे है उसमें ज्यादातर यादव परिवार की सीटें जहां पर गुरुग्राम से पीछे चल रहे हैं। लास्ट मोमेंट पर इनको वहां पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया, गुरुग्राम से राज बब्बर पीछे चल रहे हैं। ये G23 का हिस्सा भी रह चुके हैं अगर आपको याद होगा। लेकिन 61-31 इस वक्त ये जो आंकड़ा आपके सामने है, बिहार में एनडीए 5 की 5 अभी तक जो आ रहे रुझान उसमें दिखाई दे रहा है। असम में एनडीए 2 पर आगे है, हेमंता बिस्वा शर्मा। एनडीए 70, इंडिया 33, बड़ी खबर, दोगुने से भी ज्यादा, इंडिया के दोगुने से भी ज्यादा। पंजाब के पटियाला से बीजेपी की प्रणीत कौर आगे चल रही हैं बीजेपी की। तो देखिए ये कहा भी जा रहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस के आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं, भोपाल में कांग्रेस के। एनडीए 79, इंडिया 33, इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए 79, इंडिया 33। सुमेरा देखिए, पटियाला से प्रणीत कौर आगे चल रही हैं बीजेपी को, जो उन्होंने लोगों को शामिल कराया बीजेपी ने पंजाब में, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बात भी की जा रही थी। इंदौर में शंकर लाल वाणी आगे चल रहे हैं, इंदौर की सीट से बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है। लेकिन दिलचस्प, किशोरी लाल शर्मा अमेठी में पीछे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के वफादार, 40 सालों से अमेठी को देखते हुए, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया, बहुत आश्वस्त है। लेकिन स्मृति ईरानी आगे चल रही है अमेठी में और किशोरी लाल शर्मा पीछे चल रहे हैं, जबकि गौरव केरल देखिए, केरल में 5 सीटों का आया है अभी तक और 5 पे इंडिया आगे चल रहा है। ओडिशा में एनडीए 3, इंडिया 1, बीजेडी 2, लेकिन एनडीए 81, इंडिया 33 और अदर्स 1, इस वक्त की बड़ी खबर। दिलीप घोष आगे चल रहे हैं।